बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मेरे भाई जरा सोचो, क्या हो भगवान हमें हमारे मरने की डेट पहले ही बता दें, मतलब लोगों को पहले ही पता चल जाए कि वो कब मरने वाले हैं, तो इस पर वो क्या रिएक्ट करेंगे और दुनिया कैसी हो जाएगी, यही आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। Yes, so hey there, I am Shivai and today we gonna talk about a movie called The Brand New Testaments। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि कहीं पर कोई गॉड थे जो कि काफी ज्यादा बोर फील कर रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी को बना दिया, पर फिर भी उन्हें कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने पृथ्वी के अंदर जीव जंतु बना दिए। ये चीज उन्हें कुछ समय तक तो एंटरटेनमेंट देती है, पर फिर से वो बोर होने लगते हैं। इस वजह से उन्होंने दो इंसान बना दिए, एक नर और दूसरी मादा, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई और फिर वो सभी धर्म को लेकर लड़ने लगे। इससे ऊपर बैठे गॉड को देखकर बहुत मजा आता था और आज भी जो पृथ्वी में हादसे होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और जो एबनॉर्मल चीजें होती हैं, वो सब गॉड करते हैं हमें परेशान करने के लिए, जिससे उन्हें मजा आता है। वो गॉड ही थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को एक बार पृथ्वी में भेजा था। खैर, यहाँ पर हम देख पाते हैं गॉड की भी अपनी एक फैमिली है, जिसमें उनकी एक बेटी इया है, जो कि अपने डैड के यानी गॉड के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो वो अपने भाई जीसस क्राइस्ट के पास जा करके उनसे पूछती है कि वो पृथ्वी के लोगों को सही रास्ता कैसे दिखाए। इस पर जीसस क्राइस्ट उसे सजेस्ट करते हैं कि वो नीचे पृथ्वी में जाए, जिस तरह से मैंने अपने 12 दूतों को तैयार किया था और उन्होंने एक बुक बाइबल लिखी थी और उसी बाइबल के थ्रू ये दुनिया चलती है, तो वो भी नीचे जाकर अपने दूत तैयार करे और उनसे एक बुक लिखवाए, तो उसके थ्रू भी दुनिया चलने लगेगी। ये सुनकर ये अपने भाई से पृथ्वी में जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर जीसस क्राइस्ट ने उन्हें बताया कि वो एक वॉशिंग मशीन के थ्रू जा सकती है, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो कि यहाँ से पृथ्वी को कनेक्ट करता है। यह भी उनकी बात मान करके अपने डैड के लैपटॉप में, जिसके अंदर उसके डैड की सारी शक्तियां थी और उससे ही वो पृथ्वी को कंट्रोल करते थे, तो उस लैपटॉप की हेल्प से अपने डैड को सताने के लिए पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों को उनकी मौत की एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग भेज देती है। इसके बाद वो अपने डैड का लैपटॉप करप्ट करके उसी वॉशिंग मशीन के थ्रू पृथ्वी की तरफ निकल जाती है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जस्ट अ फिल्म है और सारी बातें स्क्रिप्टेड है, तो इसे रियलिटी से बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिएगा। खैर, यह अब पृथ्वी में आ चुकी है और पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों को पता चल चुका है कि वो कब कब मरने वाले हैं, और इन्हीं में से हम एक लेडी को देख पाते हैं जो अभी अभी नहा रही थी और उसे पता चला है कि वो 2 मिनट में ही मरने वाली है, तो वो काफी घबरा जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए वो अपने घर से तुरंत ही सारी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करने लगती है। पर इसी चलते एक कंटेनर को उतारने की वजह से एक बड़ी सी अलमीरा उस पर गिर जाती है और बेचारी मारी गई। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देख पाते हैं जिससे भी उसकी मौत की डेट और टाइम पता चल गई थी, पर वो काफी दूर की थी, लेकिन वो इस चीज को गलत साबित करने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग से छलांग लगा देता है ताकि उसकी टिकटॉक वीडियो बन जाए। खैर, टिकटॉक है, वहाँ पर तो ये चीजें हो भी सकती हैं, पर यहाँ पर हम देख पाते हैं वो बंदा जब नीचे कूदता है तो वो मरता नहीं है, बल्कि उसकी वजह से कोई और बंदा मर जाता है, शायद उसकी डेट और टाइम थी आज। दूसरी तरफ गॉड को ये बात जब पता चलती है तो वो काफी घबरा जाते हैं और अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इया को देख पाते हैं जो पृथ्वी में एक भिखारी से मिलती है और वो उससे पूछती है क्या वो लिखना पढ़ना जानता है। इस पर वो उससे बताता है कि हाँ, थोड़ा बहुत वो लिख सकता है। इया को लगता है कि ये उसकी बुक लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, तो वो उसके साथ जाने लगती है। वो उसे बताती है कि वो गॉड की बेटी है और जीसस क्राइस्ट उसके भाई है। उस भिखारी को लगता है कि शायद इस लड़की का ऊपर का माला खाली है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा खास ध्यान नहीं देता, लेकिन वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। अगले दिन इया एक लड़की को चूज करती है जिससे वो अपना दूत बनाना चाहती थी, क्योंकि उस लड़की को अपनी मौत की तारीख पता होने के बावजूद भी वो कुछ भी एबनॉर्मल नहीं कर रही थी और वो अपनी लाइफ को वैसे ही जी रही थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा सुंदर तो थी, पर इस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे पाना चाहते थे और कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। उसका नाम एमिली है और बचपन में एक बार उसका हाथ कट गया था, ये चीज उसे आज भी दुख देती है।
खैर इया जब उससे मिलती है तो उससे बताती है कि वो गॉड की बेटी है और वो बहुत कुछ कर सकती है। पर एमिली को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, वो तो बस उसे अपने उसी कटे हुए हाथ वाले इंसिडेंट को बताकर रोने लगती है। इया ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रो तो नहीं सकती क्योंकि मुझे रोना नहीं आता, पर हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकती हूँ इस चीज को क्योर करने में। आज रात को जब तुम सो रही होगी तो मैं तुम्हें एक ऐसा गाना सुनाऊंगी जिससे तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। उसी रात जब एमिली सो रही होती है कि तभी उसे एक धीमी सी साउंड की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को वो फॉलो करती है तो वो अपने टेबल पर आ पहुंची जहां पर उसका वही कटा हुआ हाथ डांस कर रहा था। यहाँ से निकलकर अगले दिन इया एक और दूत को सेलेक्ट करती है। वो भी एमिली की तरह अपनी मौत की तारीख जानता था, इस वजह से उसने अपना सारा कामकाज छोड़ करके एक समुद्र के किनारे बैठना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो चाहता है कि वो सुकून भरी मौत मरे। तभी इया उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि वो गॉड की बेटी है। अब हर किसी की तरह जॉन भी उसकी किसी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था, तो वो एक पंछी को अपने पास बुलाकर उससे बात करती है, पर जॉन को फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था। तो वो उसे और भी बहुत सारी चीजें करके दिखाती है और यहीं पर दूसरी तरफ हम गॉड को देख पाते हैं जो इया के लिए काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था पृथ्वी वालों ने जैसा जीसस क्राइस्ट के साथ किया है कहीं वो उसकी बेटी इया के साथ भी ना करें। इस वजह से उन्हें काफी फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए उसी वॉशिंग मशीन के थ्रू पृथ्वी में आ गए हैं। एक लेडी जब उन्हें वॉशिंग मशीन से निकलते हुए देखती है तो वो काफी घबरा जाती है और उन पर पेपर स्प्रे से अटैक कर देती है। खैर वो किसी तरह से उनसे बचकर बाहर निकले और एक डस्टबिन से निकालकर बर्गर खा ही रहे थे कि तभी कुछ वहां के लोकल गुंडे उन्हें पीट देते हैं। किसी तरह से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर यहां पर जब वो एक बच्चे का ब्रेड छीन कर खा रहे थे कि उस बच्चे की मॉम फिर से उन्हें पीट देती है। दूसरी तरफ हम जैक नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसे इया ने सेलेक्ट किया था। उसे पता चला है कि वो 84 डेज में मरने वाला है तो वो उन सभी चीजों को करने लगता है जो उसने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। उसने कभी अपनी लाइफ में किसी लड़की को टच नहीं किया था, तो वो अपने सारे पैसे इन सब चीजों में उड़ाने लगता है। इया जब उससे मिलती है तो वो उसे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने लगी। यहीं पर दूसरी तरफ हम गॉड की वाइफ को देख पाते हैं। वो जब जीसस क्राइस्ट की फोटो देख रही थी तो उसमें अचानक से देव दूतों की संख्या बढ़ने लगती है। पहले 12 दूत थे पर अभी 15 हो गए थे, मतलब 3 वही लोग बढ़े हैं जिन्हें इया ने सेलेक्ट किया है। दूसरी तरफ गॉड जब कुछ खाने के लिए चर्च में पहुंचते हैं तो यहाँ पर रूल तोड़ने की वजह से उनकी बहुत पिटाई हुई, पर उस चर्च का फादर काफी जनरस था तो वो उन पर दया खा करके उन्हें खाने को दे देता है। पर इस बीच गॉड ने कहा कि ये जो सामने है ना जीसस, ये मेरा बेटा है। अब ये सुनकर तो उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो उसे बहुत पीटता है। अगले सीन में हमें एक बंदा चेहरी दिखाया जाता है जो कि एक शूटर है और जब उसे पता चला है कि लोगों के मरने की डेट उन्हें पता चल चुकी है और सभी लोग बस अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं तो वो ऐसे ही रेंडमली लोगों को मारने लग जाता है और यहीं पर वो किसी शिकार का इंतजार कर रहे हैं कि तभी वहां पर इया आती है जो उसे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने लगी और उसे सामने जा रही एक लड़की पर शूट करने के लिए कहती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एमिली थी और वो शूटर जब उसे शूट करता है तो उसकी बुलेट सीधा उसके आर्टिफिशियल हाथ पर जाकर लगती है जिससे एमिली को कुछ होता नहीं, पर वो शूटर काफी कंफ्यूज हो जाता है और उसके बारे में इतना सोचने की वजह से उसे एमिली से प्यार हो गया और वो कुछ फ्लावर्स लेकर एमिली को प्रपोज करता है, पर एमिली कुछ कहती नहीं। लेकिन घर जाकर उसने चेरी को कॉल किया और यहाँ पर ये दोनों साथ रहने का डिसाइड कर लेते हैं। अगले सीन में हमें मार्टिना दिखाई जाती है जो अपनी यंग एज में काफी ज्यादा रोमांटिक हुआ करती थी, पर जब से उसे पता चला है कि उसकी मरने की डेट पास आ रही है तो वो काफी परेशान है और वो चाहती है कि मरते समय वो अपने ट्रू लव के पास रहे और उसी को वो ढूंढ रही है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है इया से और इया उसे गाइड करती है कि उसका ट्रू लव सर्कस में है। मार्टिना भी इया की बात मान करके सर्कस पहुंच जाती है और यहाँ पर उसकी नजर पड़ी एक गोरिल्ला पर जो उसे देखते ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। मार्टिना को समझ आया कि उसका ट्रू लव एक चिंपैंजी है तो वो उसे खरीद लेती है। उसे खरीद कर वो उसे अपने घर ले आई और उसके साथ ही रहना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ बेचारे गॉड काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इस पृथ्वी में उनकी शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही थी। उनकी सारी शक्तियाँ तो उस लैपटॉप में थी जो कि इया ने करप्ट कर दिया था। तभी उनकी इतनी पिटाई हो रही है और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो वापस आएंगे, पर तभी उन्हें रास्ते में इया दिख जाती है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं ये जो कुछ भी उसने फैलाया है उसे सही करने के लिए। लेकिन इया उनसे बचकर भागती है और पानी में चलकर दूसरी तरफ चली जाती है क्योंकि गॉड की शक्तियां काम नहीं कर रही हैं तो वो चाह करके भी पानी में नहीं चल पाते। दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा है बिली, वो भी बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो भी जल्दी ही मरने वाला है। तो उसके मॉम डैड ने उससे कहा है कि मरने से पहले वो जो कुछ भी करना चाहता है वो सब वो कर सकता है।
करता है, इसलिए बिली उनसे कहता है कि उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक है और वो उन्हें पहनना चाहता है। उसके पेरेंट्स भी इस बात के लिए अलाउ कर देते हैं और वो लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमने लगता है। तभी उसकी मुलाकात इया से हुई और वो उसे अपना फ्रेंड बना लेती है। बिली की बातों से इया को पता चला कि उसने आज सुबह मछली खाई थी, पर उस मछली की जो सोल थी वो अब बिली के अंदर आ चुकी है और वो उससे बार बार कह रही है कि उसे पानी में जाना है। तो इया उसे सजेस्ट करती है कि ठीक है, जब वो मरने वाला होगा तो वो पानी के पास मरे। बिली को भी उसकी ये बात बहुत पसंद आती है। खैर, यहीं पर दूसरी तरफ हम गॉड को देख पाते हैं, जिनकी तो ऐसी हालत खराब है जैसे तो भाई किसी नॉर्मल इंसान की भी नहीं होगी। अब यहाँ पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो उन्हें एक फ्लाइट में बिठाकर दूसरी कंट्री में छोड़ने जा रहे हैं। खैर, यहीं पर इया अपने सारे दूतों को लेकर, यानी वो 6 दूत जो उसने यहाँ पर बनाए हैं, उन सभी को लेकर एक बीच के किनारे आ जाती है क्योंकि आज इन सभी के मरने का दिन था। दूसरी तरफ इया की मॉम जब अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी वो उसके डैड के कंप्यूटर वाले रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पर उन्होंने देखा कि कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, तो वो उसे यूज करने लग जाती है। इस बीच वो पृथ्वी में मरने वाले सभी लोगों की तारीख को आगे की ओर डिले कर देती है। इसके साथ साथ वो पृथ्वी में भी बहुत सारे मेजर चेंजमेंट करती है, जैसे कि वो बादलों का कलर भी चेंज कर देती है। उनके ऐसे चेंजमेंट करने की वजह से पृथ्वी में काफी परिवर्तन होने लगते हैं और जिस फ्लाइट में गॉड को ले जाया जा रहा था वो भी क्रैश करने लगी, पर किसी तरह से फ्लाइट पर कंट्रोल पाया जाता है और अब जैसी पृथ्वी दिख रही है सभी लोग ऐसी पृथ्वी देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब लोग पानी में भी चल सकते थे और इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी सुपर पावर्स भी उन्हें मिल गई थी। इया को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही किया है। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इससे भी अच्छी अच्छी मूवीज एक्सप्लेन करते रहते हैं। उससे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा के साथ साथ मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी आ सकते हैं ताकि मैं आपका फ्रेंड बन पाऊँ और आपके साथ मेरी लाइफ से रिलेटेड चीजों को शेयर कर पाऊँ। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।